नमस्कार दोस्तों, आज हम विश्व कप 2023 पॉइंट टेबल के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस साल आपकी कौन सी दो टीमें 2023 विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। वीडियो को अंत तक देखते रहे। जैसा कि आप जानते हैं, दो ग्रुप में 5 टीमें हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, वेस्ट इंडीज, नेपाल, अमेरिका की। इनमें जिम्बाब्वे ने 3 मैच जीतकर क्वालिफाई किया है, वहीं नीदरलैंड और वेस्ट इंडीज ने 3 में से 2 मैच जीतकर क्वालिफाई किया। अब हम ग्रुप बी के बारे में बात करेंगे। ग्रुप बी में श्रीलंका, स्कॉटलैंड, ओमान, आयरलैंड, यूएई, ये 5 टीमें शामिल हैं। इनमें श्रीलंका 3 में से 3 मैच जीतकर पॉइंट टेबल में टॉप पर है और स्कॉटलैंड 3 में से 3 मैच जीतकर दूसरे नंबर पर है। ओमान ने 4 में से 2 मैच जीतकर क्वालिफाई किया। अब 3 क्वालिफायर टीमों के साथ ग्रुप ए और 3 क्वालिफायर टीमों के साथ ग्रुप बी में 29 जून से सुपर 6 से क्वालिफायर मैच खेला जाएगा। इन 6 टीमों में से सर्वश्रेष्ठ 2 टीमों को 2023 आईसीसी विश्व कप का टिकट मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट की ऐसी ही नियमित खबरें पाने के लिए इस क्रिकइन्फो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम विश्व कप 2023 पॉइंट टेबल के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस साल आपकी कौन सी दो टीमें 2023 विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। वीडियो को अंत तक देखते रहे। जैसा कि आप जानते हैं, दो ग्रुप में 5 टीमें हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, वेस्ट इंडीज, नेपाल, अमेरिका की। इनमें जिम्बाब्वे ने 3 मैच जीतकर क्वालिफाई किया है, वहीं नीदरलैंड और वेस्ट इंडीज ने 3 में से 2 मैच जीतकर क्वालिफाई किया। अब हम ग्रुप बी के बारे में बात करेंगे। ग्रुप बी में श्रीलंका, स्कॉटलैंड, ओमान, आयरलैंड, यूएई, ये 5 टीमें शामिल हैं। इनमें श्रीलंका 3 में से 3 मैच जीतकर पॉइंट टेबल में टॉप पर है और स्कॉटलैंड 3 में से 3 मैच जीतकर दूसरे नंबर पर है। ओमान ने 4 में से 2 मैच जीतकर क्वालिफाई किया। अब 3 क्वालिफायर टीमों के साथ ग्रुप ए और 3 क्वालिफायर टीमों के साथ ग्रुप बी में 29 जून से सुपर 6 से क्वालिफायर मैच खेला जाएगा। इन 6 टीमों में से सर्वश्रेष्ठ 2 टीमों को 2023 आईसीसी विश्व कप का टिकट मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट की ऐसी ही नियमित खबरें पाने के लिए इस क्रिकइन्फो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें।